हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है निरेश टू में। और आज हम लोग जिस पर रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक आई थिंक एक कार्टून टाइप का है, बट ये फनी कार्टून्स है, जिसका नाम है द इंडियन गोस्ट स्टोरीज हॉरर शोज एग्जाम एंड नाइट आउट। आई हैव नो आइडिया, बट मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है। मैंने इस वीडियोज़ के इनके जो भी इनके कॉन्टेंट होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे कॉन्टेंट है। मैंने इनके रिसेंटली मैंने इनके कुछ वीडियोज़ देखे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो इस पे आज हम लोग रिएक्शन करते हैं एंड लेट्स सी, देखते हैं किस तरह की यहाँ पे स्टोरी लाइनिंग यहाँ पे यूज करी है, किस तरह की हमें कॉमेडी यूज हुई है या फिर क्या स्टोरी निकल के आती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। हाय, तो मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो पार्ट टू है इस वीडियो का। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लेकिन अभी रुको, अभी यहीं रुको। तो मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ। अब तक आपने देखा, ये बात थी मेरे मैथ्स एग्जाम से एक दिन पहले की। मैंने और मेरे दोस्त बंटी ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू हमें उसी घर रात में पढ़ने बुला लेता है। अब आगे मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू के यहाँ पहुंच जाते हैं, इसी सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा। अब देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकी सुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना। हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचैन और सिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकीसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचन का कजामा। इसके मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकीसुकी निकल लेता है। हेलो सिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकी सुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वॉयलिन क्लास जाती हूँ। सिजुका, ओए सिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकी सुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको सिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं सिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रही थी ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की खुद को समझता गया साला। हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचन नहीं, कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और सिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा, मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार सिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठते ही मुद देता है। माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा शो के बारे में बता दिया, तुम लोग तो जानते ही हो मुझे, पर क्या तुम प्रोबो के बारे में जानते हो? प्लीज। प्रोबो इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ तुम्हें बस यस और नो में ओपिनियन देना है, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो, क्रिकेट, फुटबॉल, यूट्यूब एक्सेट्रा। मेरा किसी चीज में ओपिनियन नहीं है, हम मोटे हो रहे हैं। ट्रस्टेड ऐप है, 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट टेस्ट में विराट सेंचुरी मारेगा या नहीं? विराट तो मारेगा भाई, कोहली। ठीक है, अगर तुम अपने ओपिनियन पे इतने श्योर हो तो तुम क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, जितनी क्वांटिटी उतना ही प्रॉफिट। और देखो, विड्रॉ करना भी बड़ा इजी है, पेटीएम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नहीं गुल्लक में नहीं आएगा पैसा, बच्चे कितनी बार बोलू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना मत भूलना। अब हमारे केस में राजू डेकी सुकी था और बंटी और मैं डोरेमोन नोबिता, तो अब हमारी संगति राजू को लगने वाली थी, तो पढ़ाई तो घंटा होनी नहीं थी। मुझे याद है हम लोग 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे, 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है, हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है, हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा ही कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड, हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला, चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। लेकिन राजू के यहाँ में डिश टीवी लगी हुई थी, D2H, जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे, और रात में 9:10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नाप तोल। जिन लोगों को नहीं पता नाप तोल क्या है, ये कैसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए, मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है।
मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे, तो कुछ बताओ आइडिया। सर 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 अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। श्यामी एक बात बता। सलेंद्र सर सलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीन ले? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे। ये होते हैं आइडियाज, क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। नाप तो लेके आए आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बना है? ज्यादा रोना आ रहा है ना? आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेनी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you. ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। क्या खुशियों के पल थे, भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसी साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था विक्राल और घबराहट स्टार उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कम्प्लीट है और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनके एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। ए, मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन व्हाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उसका कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। उसमें भी एक आ रहा ना 1 करोड़ की शादी। ये क्या देख रही है, हम कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना है इसको, अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए देके चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं, वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव। अब आते ही विकराल घबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमान लेके। हाँ तीर कमान। और तुम लोग मुझे जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा, कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी 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 जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बाथरूम। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। सही, अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आँख। अभी अभी और है, जब भूत मर जाएगा ना तो वो उसको एक शीशी में बंद कर देंगे। बस इतना ही है। बनाओ भाई इसको, अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पे डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं फिर उनको शीशियों पे बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी। ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती मस्ती में बना दिया। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था, एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.youtube.com और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल सॉरी। और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा, क्योंकि इन बटन वाले फोन में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है, 1 MB 1,000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा।
हेलो। ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1,00,000 रुपए कट गए हैं और अब आपका बाप रो रहा है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए, अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। मैं भूत हूँ, शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराए, अरे भाई जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार विकराल, ये मर गया क्या? लग तो रहा है घबरू। बाप रे बाप, तीर को लेके इतनी मेहनत हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो घबरू, उसको बॉटल में भर लेते हैं। विकराल और घबराल, ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था भाई। हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पर। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं, और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के साव में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं, और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया। That was very nice. It was very nice. बहुत अच्छा था कि विक्राल घबराल का ये जो एक था, जो लोग इन सब को जानते हैं शायद उनको पता होगा विक्राल और घबराल की क्या था। मतलब we used to wait to watch that show. अलग ही टाइप का शो हुआ करता था उस टाइम। हम छोटे थे तब तो क्या ही समझ में आता था, मतलब बहुत enjoy फील करते थे। एंड एक और था शो, उसका नाम था कर्मा, वो भी देखते थे। एंड एक और शो था जिसका नाम था हातिम, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। उसमें वहां पे बहुत ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड, मतलब ये कहते नहीं है लो बजट फैंटेसी जो दिखाते हैं, बिल्कुल वैसी टाइप का था हातिम। वो वाली सीरीज जो थी, इट वॉज अ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था। आई मीन जिसने भी इसको इस कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया बहुत ही अच्छा बनाया, रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। 7:30 का पेपर 9 बजे, इट वॉज वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था। एंड देख के बहुत ही मजा आया इसे देख के। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।